स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय ऊंचघाट में 3 दिवसीय अंडर 14 छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिता किया गया, जिसका समापन हुआ। समापन समारोह में कर्नल संजय शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया। कबड्डी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोजाजी, खो खो में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंडोग, वॉलीबॉल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सोलन और बैडमिंटन में गवर्नमेंट हाई स्कूल गलानग विजय रहा। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में छात्रों को अनुशासन में रहकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल कड़ोग, ये मेरा विद्यालय है, यहाँ पर मैं पीईटी कार्यरत। सर्वप्रथम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऊंचघाट में आमंत्रित किया गया। ये अंडर 14 ब्लॉक लेवल की जो प्रतियोगिता आज सम्पन्न हो रही है, ये एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो कि हमारे युवा को इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल इतना मोबाइल का ज़माना आ गया है कि वो जो है वो वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया में ग्रसित रहते हैं, और भी कई कुरीतियां हैं जैसे कुछ बैड हैबिट्स और ड्रग्स, इससे हमारा प्रदेश जो है ग्रसित है। तो ये जो खेलकूद के माध्यम से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं, जो कि एक विद्यार्थी के लिए अच्छे सफल जीवन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, स्पर्धा, ईर्षा नहीं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहने की स्पिरिट और कोऑपरेट करने की स्पिरिट और टीम बिल्डिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि ये खेलकूद आयोजित किए जाएँ और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।